और गाइस एक बारी देखो यार, ये बुगाटी का तो भाई क्या ही लुक है, और ये तो कुछ ज्यादा ही बढ़िया यार। तो हेलो गाइस, क्या हाल चाल बढ़े सब। तो गाइस हम दोबारा से खेलने वाले हैं GTA 5। और गाइस आज मेरे को लेस्टर का कॉल आया था, और लेस्टर ने मेरे को एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट काम दिया है। और गाइस तो इम्पोर्टेंट काम ये है कि गाइस आज हमें भाई ये कार को चोरी करने जाना है भाई लॉस सैंटोस एयरपोर्ट पे। और उसने बोला था कि भाई वो जो कार है ना, वो वर्ल्ड की सबसे ज्यादा बड़ी कार है। आई मीन गाइस लेस्टर का बोलना ये है कि भाई वो दुनिया की सबसे ज्यादा बड़ी कार है, और उसका नाम है बुगाटी। तो गाइस मेरे को नहीं पता है वो बड़ी कार दिखने में कैसी है कैसी नहीं, वो तो हम जब भाई उसको चोरी करने जाएंगे तभी हमें पता लगेगा कि वो कार दिखने में एक्चुअल में कैसी है। तो गाइस यहां पे फटाफट से चलते हैं भाई लॉस सैंटोस एयरपोर्ट पे। और लेस्टर का ये भी कहना था कि वो आज शाम से पहले पहले हमें कार को भाई चोरी करना पड़ेगा, क्योंकि वो जो कार है वो भाई दोबारा जाने वाली है जहां से वो आई थी, क्योंकि वो यहां पे लॉस सैंटोस के अंदर किसी इवेंट में आई थी। और एक तरीके से हम बोल सकते हैं भाई बुगाटी वालों ने उसको एडवर्टाइजमेंट के लिए भाई भेजा था भाई लॉस सैंटोस के अंदर, और वो इवेंट अब पूरी तरीके से खत्म हो गया। तो वो वाली कार आज शाम तक भाई निकल जाएगी प्लेन के थ्रू, और मेरे को नहीं पता वो इतनी बड़ी कार भाई प्लेन के अंदर कैसे आई होगी कैसे नहीं। अब वो तो हम जब जाएंगे ना तब हमें पता लगेगा। उससे पहले मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे थोड़ा सा भाई गेटअप वेटअप ना एकदम भाई ऐसा वाला बना लिया जाए, क्योंकि हम कार ही चोरी करने जाने वाले हैं। और गाइस आपको तो पता ही है कि अगर भाई हमें किसी ने भाई पहचान लिया तो बहुत ज्यादा गड़बड़ हो जाएगी। तो गाइस अभी फटाफट से चलते हैं भाई सीधा लॉस सैंटोस एयरपोर्ट में, और वहां जाके उस गाड़ी को देखते हैं। मेरे को तो पता नहीं है भाई वो गाड़ी यहाँ पे दिखने में कैसी। और हाँ, मैंने भाई वेपन वगैरह सारे ले रखे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें थोड़ी बहुत भाई सिक्योरिटी तो होगी, तो सिक्योरिटी गार्ड को यहाँ पे ठिकाने लगाना पड़ेगा। तो गाइस यहाँ पे चलते हैं फटाफट से भाई लॉस सैंटोस एयरपोर्ट पे। और लॉस सैंटोस एयरपोर्ट ना अपने घर से तो बहुत ज्यादा दूर है, तो वहां पहुंचने में काफी ज्यादा टाइम लगेगा। तो फटाफट से गाइस निकलते हैं और पहुंच के मिलता हूं मैं आप सभी को वहीं पे। तो गाइस यहां पे मैं आ चुका हूं भाई एयरपोर्ट के अंदर, और अपनी वाली गाड़ी में भाई गेट पे ही छोड़नी पड़ गई, क्योंकि यार वहां का जो भाई गार्ड है ना वो बदल गया है, और उसने बोला कि आपको जो अपनी गाड़ी है वो भाई पार्किंग में खड़ी करनी पड़ेगी। तो मैंने अपनी जो गाड़ी है वो एयरपोर्ट के बाहर ही छोड़ दी, और मैं वहां से यहां तक भाई पैदल पैदल आए हुए इस हैंगर में। तो गाइस अभी फटाफट से चल के, और यहाँ पे तो गाइस सिक्योरिटी गार्ड भी बहुत ज्यादा है, और गाइस वो खड़ी है भाई अपनी बुगाटी। और सच्ची में यार ये तो बहुत ज्यादा बढ़िया है। एक काम करते हैं ना, इसको भाई चोरी करने से पहले ना हमें सबसे पहले भाई जो गार्ड है ना इनको मतलब ठिकाने लगाना पड़ेगा, और मेरे को यहाँ पे देखना भी पड़ेगा कि अपना जो भाई कौन सी कार मतलब कार कह रहा हूँ भाई अपनी कौन सी गन में जो है एकदम वो सप्रेसर वगैरह लगाए। ओके, इस वाली में ना सप्रेसर लगाए। तो एक काम करते हैं यहाँ पे एक एक करके ना भाई इनको टेक डाउन करने का ट्राई करते हैं। वैसे सामने वाले को अगर मैं मारूंगा तो उसके पास वाले को पता लग जाएगा, और जस्ट मेरे वॉल के सामने मतलब जस्ट मेरे वॉल के अपोजिट में भी एक गार्ड खड़ा है, तो उसको भी पता लग जाएगा। एक काम करते हैं उसको टपका ही देते हैं हेडशॉट से, और यहाँ पे सीधा 3 स्टार लग चुके हैं। और ओ भाई इसने देख लिया गाइस, इसने देख लिया है, और यहाँ पे गड़बड़ हो गए, कोई बात नहीं है। और ये तो भाई कुछ ज़्यादा ही है। ओके, ज़्यादा नहीं थे, 3-4, 2 इधर 3 भी खड़े। और इनको देखो भाई गाइस सप्रेसर वाली गोलियाँ मारने का अपना यही फायदा है कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पे जो है भाई सबको मारते हैं फटाफट से। तो ऑलराइट गाइस आई थिंक से यहाँ पे क्लियर हो चुका है, तो फटाफट से अपनी कार को चोरी करते हैं। तो ओके गाइस यहाँ पे फटाफट से अपनी जो कार है उसको लेके निकलते हैं, इससे पहले भाई पुलिस आ जाए। तो गाइस यहाँ पे मैं भाई कार के अंदर बैठ चुका हूँ, और अब इसको लेके निकलते हैं। तो ओके गाइस अभी हम गाड़ी के अंदर बैठ चुके हैं, और सामने से भाई पुलिस वाले आ रहे हैं। तो फटाफट से गाइस अपनी इस बुगाटी को लेके चलते हैं। और गाइस एक बारी देखो यार, ये बुगाटी का तो भाई क्या ही लुक है, और ये तो कुछ ज्यादा ही बढ़िया यार, मतलब ये तो गाइस जरूरत से ज्यादा बढ़िया। भाई कैमरा एंगल भी जो ना अजीब सा ही हो रखा है, मतलब मेरे को यहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है अच्छे से। एक काम करते हैं थोड़ा सा कैमरा एंगल जो है ना और थोड़ा सा मतलब इंक्रीज करता हूँ। गाइस अभी मैंने जो है कैमरा एंगल थोड़ा सा ठीक पहले से काफी ज्यादा बेटर कर लिया है। और भाई ये और गाइस एक बार देखो यार, ये पुलिस वालों की गाड़ियाँ भाई कितनी ज्यादा छोटी है, मतलब अपनी बुगाटी इतनी ज्यादा बड़ी है, और इन पुलिस वाली को गाड़ियाँ देखो यार इतनी ज्यादा, मतलब क्या ही बोलूँ गाइस, अपनी बुगाटी भाई सही में बहुत बड़ी है, मतलब यार ये तो कुछ जरूरत से ज्यादा ही बड़ी है। और यार ये चिद्दी पिद्दी की गाड़ी को वैसे ना अपनी बुगाटी रुकी हुई है एक जगह पे, एंड अभी थोड़ा सा इसको लेके चलते हैं। और गाइस भाई एक बार आप लोग देखो यार, भाई मेरे को यकीन नहीं हो रहा भाई ये बुगाटी है या फिर कुछ और है, मतलब इतनी बड़ी बुगाटी गाइस, भाई साहब गाइस एक बार आप लोग साइज देखो यार, मतलब पुलिस वालों की गाड़ियों से आप लोग कंपेयर कर सकते हो गाइस। यहाँ पे भाई उन गाड़ियों को देखो यार, वो कितनी ज़्यादा छोटी दिख रही है इसके सामने भाई, एकदम चीटी के माफिक नज़र आ रही है। और सही में यार ये गाइस जो अपनी बुगाटी है ना ये तो बहुत ज़्यादा बड़ी है। एंड अब ये काम करते हैं इसको फटाफट से लेके चलते हैं। मेरे को ये भी नहीं पता है इस बुगाटी को मैं कहाँ छुपाऊंगा, क्योंकि ये तो बहुत ज़्यादा बड़ी है, और अपने साथ मतलब अपने पास में पुलिस कह रहा है भाई अपने पीछे पुलिस जो है ना बहुत ज़्यादा पड़ी हुई है।
क्या ये यहाँ से निकल पाएगी? ओके निकल तो रही है, निकल लिए, चलो ये अच्छा है। और लो भाई ये ठुक गई, मैंने बोला ही था, पता नहीं यार मेरे को भी नहीं पता है गाइस जो अपनी बुगाटी है भाई वो उस गेट से कैसे निकल गई। और एक बार ये आप लोग देखो भाई साहब, भाई ये तो फ्लाईओवर से भी ज़्यादा ऊँची है गाइस, मतलब मेरे को नहीं पता है ये बुगाटी भाई किसने बनाई है और क्यों बनाई है, क्योंकि आप लोग देखो यार यहाँ के जो फ्लाईओवर है ना वो भाई बहुत ज़्यादा बड़े हैं। और आई थिंक से अपन को कैमरा एंगल है थोड़ा सा और ज़्यादा मतलब वाइड करना चाहिए, क्योंकि अभी ना अच्छे से दिख नहीं रही है। तो गाइज अभी मैंने जो अपना कैमरा एंगल है वो थोड़ा सा और ज़्यादा वाइड कर लिया, मतलब पहले से अभी बुगाटी अपनी काफ़ी ज़्यादा दिख रही है हमें और पता लग रहा है। और इनको देखो यार ये चिद्दी पिद्दी भाई गाड़ियों को भाई चला रहे हैं ना, मतलब इन लोगों के मतलब अपनी बुगाटी के सामने इनकी जो भाई गाड़ियाँ हैं वो तो आप एकदम चींटी के बराबर लग रही है। और गाइस ये वाली जो बुगाटी है ना इसकी एक बहुत ज़्यादा खास बात है, और वो खास बात ये है कि ये वाली बुगाटी भाई पानी के ऊपर भी चल सकती है। तो आई थिंक से मेरे को अभी आइडिया आ गया है कि इस वाली गाड़ी को अगर हमें छुपाना है ना, मतलब पुलिस से अगर पीछे छुड़ाना है, तो इस वाली गाड़ी को हमें भाई समुद्र के बीचों बीच या फिर किसी छोटे से आइलैंड पर लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि इतनी बड़ी बुगाटी को रखने के लिए भाई अपने पास तो ऐसा कोई भी जगह नहीं है कि जहाँ पर मैं इसको रख पाऊँ। और बाकी आप लोग देखो यार ये भाई एक पूरा रोड घेर के चल रही है, मतलब एक साइड का जो रोड होता है ना गाइस वो पूरा घेर के चल रही, मतलब इतनी बड़ी बुगाटी है। अभी मेरे को नहीं पता है यार कि लस्टर भाई इस गाड़ी का क्या करने वाला है, मतलब भाई पता नहीं उसका भाई खुराबादी दिमाग में क्या चल रहा है, क्योंकि उसने ये गाड़ी भाई क्यों ही चोरी कराई होगी ये तो मैं सोच रहा हूँ, क्योंकि इतनी बड़ी बुगाटी का भाई रखने का कोई लॉजिक नहीं बनता है गाइज। भाई आप लोग देखो यार ये लॉस सैंटोस की सड़कों के लिए नहीं बनी है, मतलब मेरे को नहीं पता है ये बुगाटी वालों ने भाई क्या सोच के, ये मतलब जो बुगाटी वाली कंपनी है भाई उन्होंने क्या सोच के इस कार को बनाया था। और ये हालांकि एक इवेंट के लिए आई थी, और ये उन्होंने एक डेमो के लिए बना रखी है, मतलब जैसे उनके कोई काफ़ी बड़े बड़े इवेंट होते हैं ना तो वहाँ पे ये जो कार है ना उसको मतलब शो ऑफ बाजी के लिए लेके जाते हैं, ऐसा उन्होंने भाई पब्लिक के लिए मतलब चलाने के लिए ऐसी कोई कार नहीं बनाई है, उनने भाई एक सिंगल ही पीस बनाया है जो कि अभी चोरी हो चुका है। और लॉस सैंटोस की सिटी भाई पागलों की तरह अपने पीछे पड़ी है, वो इसीलिए क्योंकि ये भाई सिंगल पीस कार है और वो अभी भाई अपने पास है, ठीक है। और अभी कैसे भी करके भाई अगर उन लोगों को भाई अपनी मतलब क्या बोलते हैं नौकरी बचानी है ना पुलिस वालों की, तो भाई उनको कैसे भी करके मेरे को पकड़ना है। और हम भी इतनी ईजिली यहाँ पर नहीं पकड़े जाएंगे, क्योंकि गाइस हमने भी पहले बहुत सारी गाड़ियाँ चोरी करी हैं, वो अलग बात है कि बीच में हमें गाड़ियाँ वाड़ियाँ चोरी करना भाई मैंने छोड़ दिया था गंदे काम, पर अभी जब भाई अपना लेस्टर दोस्त ने भाई अपन को जो काम दिया था तो करना तो था ही। तो गाइस एक काम करते ना, मेरे को अभी आइडिया आ रहा है कि इस वाली गाड़ी को ना हमें भाई समुद्र वगैरह के नीचे लेके जाना चाहिए। और गाइस इसमें ना एक बटन भी है, एक बटन है ना उसको मैं प्रेस करके देखता हूँ उससे क्या होता है। तो गाइस मैंने यहाँ पे वो बटन तो प्रेस कर दिया, मेरे को नहीं पता उस बटन से क्या होने वाला है क्या इसमें। और गाइस यहाँ पे ये क्या हो गया भाई, इस बुगाटी के अंदर तो एक ऐसी पावर आ चुकी है कि आप लोग देख सकते हो यार गाड़ियाँ जो है भाई इससे दूर दूर जा रही है। आई मीन कि ये बटन हो सकता है भाई ट्रैफिक क्लियर करने के लिए हो, क्योंकि आप लोग देख सकते हो गाड़ी का साइज इतना ज़्यादा बड़ा है ना कि भाई साहब इसको चलने के लिए अच्छा खासा रोड चाहिए होता है, और शायद से वो बटन इसी काम के लिए होगा, क्योंकि आप लोग देख सकते हो गाड़ियाँ जो है ना भाई जैसी ये गाड़ी को पास जाती है वैसी जो गाड़ियाँ अपने आप साइड हट जाती हैं। और भाई ये बुगाटी सही में बहुत ज़्यादा क्रेजी है, मतलब इस गाड़ी के अंदर कुछ खास बात है और वो हमें धीरे धीरे अब पता लग रही है। जैसे कि ये तो पानी में तो चल सकती है ये तो हमें लस्टर ने बता ही दिया था, पर ये वाली पावर के बारे में भाई उसने मेरे को नहीं बताया था। और अच्छा हुआ मैंने भाई इसके अंदर जो बटन लगाया ना उसको प्रेस करा जिससे कि हमें उसकी पावर का अंदाज़ा लगाया। और आप लोग देख सकते हो भाई गाड़ियों को देखो गाइस, और यहाँ पर ओ भाई गाइस ये तो गाड़ियों को ऐसे साफ कर रही है जैसे सामने से कोई भाई झाड़ू मार रहा हो इसके लिए। और आप लोग देख सकते हो ओहो, और ये ट्रक को देखो ओ भाई साहब, गाइस सही में यार ये बुगाटी बहुत ज़्यादा क्रेजी है, मतलब इतना तो मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि ये बुगाटी इतनी ज़्यादा क्रेजी होगी। और शायद से तभी भाई लस्टर ने इस कार को चोरी कराया है। और अभी तो आप लोग देखो यार पुलिस वाले अपने पास भी नहीं आ सकते हैं, वैसे भी इन लोगों की गाड़ियाँ भाई चींटी की तरह ही है अपने लिए तो, पर उसके बाद जब ये पावर ऑन करने के बाद आप लोग देख सकते हो गाड़ियाँ भाई एकदम दूर दूर भाग रही है, मतलब कोई भी अपने पास नहीं आ सकता है गाइस। भाई मेरे को यकीन नहीं हो रहा है यार अपनी बुगाटी के अंदर इतनी ज़्यादा खतरनाक पावर है, और पावर तो पावर गाड़ियों को देखो भाई ऐसे उड़ाते हुए ले जाती है ना कि गाड़ियाँ भाई सीधा ब्लास्ट ही हो जाती है। और उसको देखो ओ भाई वहाँ पे आग लग चुका है, और ये लो भाई साहब गाइस भाई ये बुगाटी सही में बहुत ज़्यादा खतरनाक है। तो गाइस अभी टाइम है भाई पुलिस वालों से पीछा छुड़ाने का और अपनी बुगाटी को किसी सेफ जगह लेके जाने का, पर मैं सोच रहा हूँ यार इसको कहाँ लेके जाऊँ,
क्योंकि एक बारी एक काम करते ना, मैप पे देखते हैं कुछ छोटा मोटा आइलैंड कहीं पे भी हो पास में, क्योंकि अपनी गाड़ी जो पानी के अंदर तो चल सकती है। तो गाइस एक काम करते हैं, ये जो छोटा सा आइलैंड मेरे को नजर आ रहा है ना, यहाँ पे ले अपनी जो कार है ना उसको लेके चलते हैं। ये वैसे दूर भी है, वैसे इधर की साइड में भी काफी आइलैंड है, तो एक काम करते हैं ये वाले आइलैंड पे चलते हैं, क्योंकि ये आइलैंड काफी ज्यादा दूर है। तो अभी फटाफट से चलते हैं इस आइलैंड पे और उसके बाद चल के भाई वहां से देखेंगे पुलिस। हालांकि भाई अपना चॉपर वॉपर से भी अपना पीछा कर रही है, पर शायद से जब तक हम अपनी जो बुगाटी की स्पीड इतनी ज़्यादा है ना कि चॉपर ऊपर अपना शायद से पीछा नहीं कर पाएंगे। और तो अभी फटाफट से वहाँ पे लेके चलते हैं। और यार इसको भाई देख रहे हो, ये गाड़ी इतनी ज़्यादा बड़ी है ना कि यार इसको मोड़ने में भी ना बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। और वैसे मैं यार इसको ना रोड के थ्रू क्यों ही लेके जा रहा हूँ जब मैं इसको पानी में चला सकता हूँ, पर मेरे को ना सही में इनको मतलब ये गाड़ी को भाई चलाने में ना भाई बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। मतलब जब गाड़ियाँ है ना भाई जब पीछे की तरफ जाती है ना, मतलब जो अपना जो पावर है ना उसका भाई जो अंदाज़ा लगता है, मतलब जो पावर का जो फील है ना वो आ रहा है ना, उसको देख के मेरे को काफ़ी मज़ा आ रहा है। मतलब गाड़ियाँ देखो यार, मतलब भाई ये देखो भाई गाड़ियों को तो ऐसे रोड पे भाई क्या ही बोलो यार, ऐसे मतलब चीट, वैसे भी इसके सामने चीटियाँ तो लगे रही है बाकी गाड़ियाँ पर, और ये भाई इनको चीटियों की तरह ही भाई फेंक की चली जा रही है। और एक बार देखो यार ये टनल में भी नहीं आ रही अच्छे तरीके से, मतलब गाड़ी इतनी ज़्यादा बड़ी है ना गाइस ये यार, ये सही से भाई टनल के अंदर भी नहीं आ रही है। तो एक काम करते हैं फटाफट से चलते हैं फुल ऑन रफ्तार में। और यार ये बस ट्रैफिक व्रैफिक ना बहुत ज़्यादा ही हो रहा है और अपनी गाड़ी को भी चलने में दिक्कत हो जा रही है यहाँ पे। हालांकि मेरे को एक चीज़ समझ में नहीं आ रही है, गाड़ी में ठुकने के बाद जो अपनी कार है जो यार डिसबैलेंस क्यों हो रही है, क्योंकि इसको तो भाई कुचल के निकल जाना चाहिए भाई, इतनी भारी भरकम और इतनी बड़ी कार है कि इन गाड़ी को तो आराम से कुचल के निकल सकती है, पर पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, शायद से कोई गेम वेम का ग्लिच व्लिच होगा। तो गाइस एक काम करते हैं अभी फटाफट से लेके चलते हैं, और इसके सामने भाई कोई भी गाड़ी आ जाए मतलब वो टिक ही नहीं पा रही। आप लोग देख सकते हो गाइस भाई इतनी बड़ी बड़ी मतलब इतनी सारी गाड़ियों को जो अकेले एक गाड़ी कंट्रोल कर रही है, मतलब आप लोग इस चीज़ से आइडिया लगा सकते हो। एंड बाकी यार गाइस जो लोग यहाँ तक वीडियो देख रहे हो, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो भाई साहब लाइक जरूर से कर देना इस वीडियो को, एंड चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लो। और हाँ गाइस आज मैंने यहाँ पर कुछ डिफरेंट ट्राई करा है, तो आप लोग मेरे को कमेंट में बताना कि क्या आप लोगों को और भी ऐसा भाई डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें देखना पसंद है, या फिर हम दोबारा से भाई बैक टू अपनी इंडियस कार पर वापस आ जाएँ। और आप लोग बताना गाइस कमेंट में ज़रूर से। तो गाइस ऑलमोस्ट जो हम है ना भाई अपनी लोकेशन पर पहुँचने वाले, और एक बार आप लोग देखो यार मतलब मैं क्या बताऊं भाई, इस गाड़ी की मैं जितनी तारीफ करूं उतनी ज़्यादा कम है। और हाँ मेरे को मतलब ये वाली कार तो मैं तो भाई बिल्कुल भी नहीं रखने वाला हूं, क्योंकि इतनी बड़ी कार भाई मैं कहाँ चलाऊंगा यार। आप लोग खुद सोचो भाई लॉस एंटोस के जो लोग हैं ना वो भाई परेशान हो जाएंगे हमसे, और आए दिन भाई अपने पुलिस केस हुआ करेंगे, क्योंकि अपनी गाड़ी बहुत ज़्यादा बड़ी। और पता नहीं भाई इसका चालान मतलब चालान क्या यार, ये गाड़ी मतलब मैं क्यों ही रखूँगा, क्योंकि शायद से गाड़ी को अगर रखना ना एक तरीके से बेवकूफ़ी होने वाली है, क्योंकि इतनी बड़ी गाड़ी है। ऑब्वियसली बात है सबको पता है कि बुगाटी वालों ने एक सिंपल पीस बनाया, और वो भी अगर हम लॉस एंटोस के अंदर चलाएंगे तो भाई हम इजीली अपना पकड़ जाएंगे। तो इसीलिए इस गाड़ी को मैं तो नहीं रखने वाला हूँ। हाँ लस्टर देखते हैं भाई इसका क्या करने वाला है। तो गाइस अभी इन्हें एक काम करते हैं फटाफट से अपनी गाड़ी को ना थोड़ा समुद्र के अंदर लेके चलते हैं, और उसके बाद सीधा भाई वो जो आइलैंड पे हमने मार कर रहा है ना वहाँ पे चलेंगे। ओके गाइस अभी एक काम करते हैं फटाफट से यहाँ से निकलते हैं। और गाइस अपनी बुगाटी चल पड़ी है भाई पानी के ऊपर, आप लोग देख सकते हो मेरे और भाई पलट गई गाइस, पानी की लहर ना कुछ ज़्यादा बड़ी आ गई, इस वजह से क्या हुआ भाई अपनी बुगाटी पलट गई है। और ये भाई सीधी हो जा यार, ये तो पलट चुकी भाई, इतनी बड़ी कार होती है पलट गई यार, मतलब ये तो बहुत ही खराब बात है गाइस। चलो गाइस जैसे तैसे करके सही, तुम्हारे भाई ने बहुत ज़्यादा मेहनत करी इस कार को भाई साहब यहाँ पे सीधा करने में। और गाइस यहाँ पे पानी की लहर तो भाई कुछ ज़्यादा ही बड़ी आ रखी है, पर उसकी वजह से क्या हो रहा है ना गाड़ी सही से चल भी नहीं पा रही है। मतलब गाड़ी के अंदर ये तो है कि भाई यहाँ पानी के ऊपर चल सकती है, पर यहाँ पे जो पानी की लहरें हैं ना उनसे भी तो भाई हमें सामना करना पड़ेगा। और आप लोग देख सकते हो यार अपनी जो बुगाटी है ना भाई ऐसे चल रही है, ऐसे काफ़ी ऊबड़ खाबड़ जगह में हम इसको चला रहे हो, और ऊपर से भाई ये चॉपर वाले काम करते ना, ये चॉपर वालों को ना यहाँ पे निपटाने की कोशिश करता हूँ मैं, और ये मेरे को नज़र भी नहीं आ रहे हैं। मतलब यार ये गाड़ी ना एक तो इतनी बड़ी है ना कि यहाँ पे सही से भाई जो है कैमरा एंगल भी नहीं लग पा रहा है। तो गाइस एक काम करते हैं हम और अंदर चलते हैं समुद्र के, तब शायद इन लोगों की हम रेंज से बाहर हो जाएं। तो एक फटाफट से निकलते हैं भाई, क्योंकि इनसे जैसे तैसे करके मेरे को पीछा तो छुड़ाना पड़ेगा। तो ओके गाइस यहाँ पे भाई साहब मैं काफ़ी ज़्यादा अंदर आ गया हूँ, और ज़्यादा अंदर मेरे को नहीं आना पड़ा, थोड़ी दूर चलने के बाद आई थिंक हम इनकी रेंज के बाहर निकल गए, और भाई पुलिस अपने पीछे से हट चुकी है। तो गाइस अभी फटाफट से चलते हैं उस आइलैंड पे जिस पे कि मैंने मार कर रखा था। वो आइलैंड वैसे ज़्यादा दूर नहीं है, थोड़ा ही दूर है, मतलब आई थिंक वो सामने ही वाला होगा। तो काम करेंगे ना अपनी गाड़ी को भाई यहीं पे छिपा देंगे, और लस्टर को मैं सीधा कॉल करके भाई यहीं पे बुला लूँगा,
क्योंकि भाई मैं जो है ना भाई इस कार को मतलब और रिस्क मैं नहीं लेने वाला हूँ, क्योंकि वैसे इस गाड़ी को भाई चुराने में अपनी हालत ख़राब हुई। आप लोगों ने देख लिया भाई पुलिस कैसे कुत्तों की तरह अपने पीछे पड़ी हुई थी। और भाई ये क्या स्कैम है गाइस, जिस आइलैंड को मैंने मार करा था ना यार, ये तो काफ़ी ज़्यादा छोटा है भाई, अपनी बुगाटी इतनी बड़ी है कि इस आइलैंड पे भी नहीं आएगी। फिर काम करते हैं सामने वाला जो आइलैंड है ना वहाँ पे लेके चलते हैं। और वैसे अगर देखा जाएगा तो भाई बीच वगैरह पर अगर कोई घूमने आया ना तो यार वो तो भाई यहाँ पे काफ़ी ईजिली इस गाड़ी का पता लगा लेगा। तो काम करते हैं गाइस, ये जो बड़ा सा आइलैंड है ना इसके पीछे अपनी गाड़ी छुपा देते हैं, क्योंकि अपनी गाड़ी की जो है भाई अभी पानी के अंदर तो भाई खड़ी हो ही सकती है, मतलब पानी के ऊपर जब चल सकती है तो पानी के अंदर खड़ी भी हो सकती है। एंड बाकी गाइस आप लोग देखो यार अपनी बुगाटी है भाई वो कितनी ज़्यादा बड़ी है। काम करते हैं थोड़ी देर के लिए भाई इसको आइलैंड पर ले कर चलते हैं। और गाइस एक बार देखो यार अपनी बुगाटी का साइज देखो गाइस कितना ज़्यादा बड़ा है यार, भाई मजाक से हट के यार ये बुगाटी है या क्या है भाई। गाइस आप लोग मेरे को कमेंट में बताना कि आप लोगों को भाई जो अपनी बुगाटी है वो यहाँ पे कैसी लगी। एंड बाकी यार गाइस आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो जरूर से अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो जाते हैं तो लाइक ठोकना मत भूलो, और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब भी कर लो। तो गाइस वक्त अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।